ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा आज यानी 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है। इस परीक्षा में 51 लाख छात्र छात्राएं शामिल हैं। पहले दिन पहली पाली में हाई स्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान विषय की परीक्षा है। सुबह 8 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसमें चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया गया। वहीं परीक्षा केंद्रों की निगरानी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। नकलविहीन पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। और आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी छात्र या फिर कोई व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है नकल करवाने में या नकल करने में, तो उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। और अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलीगढ़, श्रावस्ती, एटा, सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आज उत्तर प्रदेश की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। तो बच्चे भी काफी उत्साहित दिखे, सुबह सुबह पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। और आपको बता दें कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है सभी परीक्षा केंद्रों की। बच्चों को मोबाइल या फिर घड़ी या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है और पूरी चेकिंग के साथ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चेकिंग के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी गई है। एडमिट कार्ड के साथ और सिर्फ पेन ले जाने की अनुमति है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते हुए ये परीक्षा करवाई जा रही है। मास्क भी अनिवार्य है। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। टेम्परेचर नापने के बाद ही बच्चों को परीक्षा के लिए जाने दिया जा रहा है। उनकी पूरी चेकिंग की जा रही है। साथ ही हर एक परीक्षा कक्ष में, हर एक परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी निगरानी कंट्रोल रूम से हो रही है। आपको बता दें बीते दिन ही कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई और कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है ताकि नकलविहीन परीक्षा को कराया जा सके। सबसे अहम परीक्षा मानी जाती है हर व्यक्ति के जीवन की बोर्ड परीक्षा, वो चाहे हाई स्कूल हो या फिर इंटर, दोनों ही परीक्षा काफी अहम मानी जाती है। काफी डर भी होता है बच्चों में इसको लेके, क्योंकि काफी सख्ती दिखाई जाती है इसमें। बोर्ड एग्जाम्स में जो सेंटर होते हैं वो दूसरी जगह जाते हैं ज्यादातर स्कूलों के, और इसके साथ ही साथ पूरी चेकिंग होती है। चेकिंग के साथ साथ एक डर भी होता है बच्चों में, क्योंकि ये सबसे बड़ी अहम परीक्षा मानी जाती है। हर बच्चे के जीवन की पहली बड़ी परीक्षा होती है बोर्ड परीक्षा, और इसकी तैयारी अच्छे से की गई है। नकल विहीन कराने के लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि अच्छे से चेकिंग करने के बाद, ताकि किसी के पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसको अंदर ले जाना मना हो, इस चीज की चेकिंग करी गई है। साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए टेम्परेचर की माप भी करी गई है। समय से पहले सेंटर पर पहुंचने की सभी को हिदायत भी दी गई थी, तो बच्चे सेंटर पर समय से पहले पहुंच गए। अपना रोल नंबर देख के अपनी कक्षा में पहुंचने की पूरी तैयारी में बच्चे दिखाई दिए। आज सुबह से बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहली पाली में परीक्षा हो चुकी है और अब दूसरी पाली में भी परीक्षा होगी। आपको बता दें कि आज इंटरमीडिएट और हाईस्कूल दोनों की परीक्षा है। आज 24 मार्च को परीक्षा हो रही है बोर्ड एग्जाम्स की। 51 लाख छात्र छात्राएं इसमें शामिल है। पहले दिन की पाली में हाईस्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान की परीक्षा है। सुबह 8 बजे से पहले पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सभी सेंटरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बच्चे भी काफी उत्साहित हैं। गाजियाबाद, अयोध्या, सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और हमारे साथ दो संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, अयोध्या से राघवेंद्र जुड़ चुके हैं और गाजियाबाद से परवीन मिश्रा जुड़ चुके हैं। जिस तरह से राघवेंद्र तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है परीक्षा केंद्रों पर? जी बिल्कुल, अगर शिखा अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में जो है 122 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 70,000 की लगभग जो है वो परीक्षार्थी है जो परीक्षा दे रहे हैं। अगर बात की जाए कि हाई स्कूल की, तो लगभग 40 से 41 हज़ार परीक्षार्थी जो है वो हाई स्कूल के हैं। और अगर बात की जाए इंटरमीडिएट की, तो इंटरमीडिएट की अगर 38,000 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर दो पालियों में परीक्षा हो रही है और सिटिंग मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए
आप देख सकते हैं हमारे सामने ठीक है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी है जो चेकिंग के लिए, चेकिंग करने के बाद जो है वो हर सभी परीक्षार्थियों को बाहर जाने अंदर जाने दिया जाता है। जी प्रवीण, गाजियाबाद में कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? प्रवीण आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो प्रवीण से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राघवेंद्र, आज बच्चे काफी उत्साहित होंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा काफी अहम मानी जाती है, बच्चे काफी तैयारियां करते हैं, स्कूलों द्वारा किस तरह से बच्चों को समझाया गया इस परीक्षा के बारे में, क्या क्या हिदायत दी गई परीक्षा से पहले? देखिए अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में सबसे पहले जो है, अगर आपको हम मैं दिखाना चाहूंगा, लगा हुआ है यहाँ पे अंतर्वाद नंबर लगा है, जो भी परीक्षार्थी जितने आ रहे हैं वो यहाँ पे ये देखेंगे, देखने के बाद उसके बाद ये अंदर एंट्री करेंगे कौन से कमरे में किसका कितने नंबर पर कितने अंतर्वाद पे उनका सीट जो है वो कंफर्म है। उसके बाद अगर कोविड प्रोटोकॉल की बात की जाएगी तो कोविड प्रोटोकॉल जो है वो यहाँ पे मात्रा में है, यहाँ पे गाइडलाइन का पूरा पालन है और सैनिटाइजर है, मास्क है, उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। जी जी अगर बात करी जाए परेशानी की तो क्या छात्रों को किसी परेशानी से भी जूझना पड़ा? देखिए परेशानी की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे कोई परीक्षा केंद्र पे ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आई है जो कि परीक्षार्थियों को किसी कारण जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़े। जी तो क्या कोई ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि किसी परीक्षा केंद्र में कोई छात्र देर से पहुंचा हो, उसे परीक्षा के लिए अनुमति ना दी गई हो, क्या ऐसा भी कोई मामला सामने आया है? राघवेंद्र, क्या ऐसा भी कोई मामला सामने आया कि कोई छात्र किसी परीक्षा केंद्र पे पहुंचने में देरी हो गई हो, देर से पहुंचा हो, उसे परीक्षा ना देने दी गई हो? नहीं, अगर अगर बात की जाएगी अयोध्या की तो अभी जो है जितने भी परीक्षा केंद्र बने हैं 22-23 केंद्र है तो यहाँ पे अभी ऐसी कोई सामने नहीं आया मामला कि जो कि परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा में नहीं बैठने पाए हैं और ना ही वहाँ उनको अनुमति ना मिली हो, जाने की अनुमति ना मिली हो या उनका प्रवेश पत्र ना मिला हो, ऐसा अभी कहीं भी सुनने को नहीं आया। जी जी बिल्कुल। प्रवीण हम आपसे जानना चाहेंगे गाजियाबाद में कुल कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका कैसा इंतजाम रहा? देखिए मैं आपको बता दूं इस समय जिला गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो जिला गाजियाबाद के अंदर में 65 ऐसे केंद्र बनाए गए हैं जहां पर जोनल अधिकारी के समेत कई ऐसे अधिकारी भी हैं साथ में और जिला मजिस्ट्रेट के खास तौर पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है वहां पर सभी केंद्रों पे। बात करें खासकर गाजियाबाद की तो यहाँ पर क्या है कि आपको लगभग बता दें कि 2500 से अधिक जो है हाई स्कूल के छात्र यहाँ पर जो भाग ले रहे हैं परीक्षा में, साथ ही उसके 28,000 से ऊपर जो छात्र हैं वो भी उसमें भाग ले रहे हैं। जी जी प्रवीण, जिस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया है हर एक परीक्षा केंद्र पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है तो फ्लाइंग स्क्वाड क्या इसके बाद भी चेकिंग के लिए जा रहा है या फिर इस बार कुछ बदलाव हुआ है? देखिए सीसीटीवी तो एक महत्व है क्योंकि उसको उसके जरिए से तो नजर रखी ही जा रही है, साथ ही साथ वॉइस रिकॉर्डर भी रखा गया है जिससे कि कंट्रोल रूम में जो अधिकारी बैठे हैं, जो वहां पर स्टाफ बैठा है वो प्रॉपर तरीके से उनकी जो परीक्षा से के समय जो बातचीत होती है आपस में बातचीत की रिकॉर्डिंग हो, साथ ही ऐसी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर कहीं कुछ किसी तरीके की चीटिंग ना कर पाए कुछ विद्यार्थी, इस पे भी खास तौर पे नजर रखी गई है। जी जी तो क्या गाजियाबाद से कोई ऐसा मामला सामने आया है जहाँ पे किसी परीक्षा केंद्र में कोई छात्र देर से पहुंचा हो या फिर किसी असुविधा का सामना करना पड़ा हो छात्र को? देखिए छात्र तो अपने समय पे पहुंचे हो, अधिकतर जो ऐसे छात्र हैं जिनको केंद्र के विषय में नहीं पता यहाँ पर हमारा केंद्र कहाँ पर लगा है, उसके चलते एक आध दो छात्र थे जो केंद्र ढूंढने के समय में कहीं ना कहीं थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्रवेश करने दिया गया था। जी जी अगर कोई छात्र किसी परीक्षा के दिन देर से पहुंचता है तो क्या उससे अनुमति दी जाएगी और कितना समय रहेगा देर से पहुंचने के लिए भी? देखिए मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि अगर परीक्षा का समय जो निर्धारित किया गया है उसके बावजूद अगर विद्यार्थी किसी भी तरह से अपनी कम बताता है, मजबूरियां बताता है, किसी भी तरीके की चीज बताता है कि मैं इस समय पर इस तरीके से आ रहा था, मैं लेट पहुंच पाया, मैं ढूंढ नहीं पाया केंद्र, तो कहीं ना कहीं अगर वो ज्यादा लेट पहुंचता है तो उसको परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। अगर वो 2 मिनट या 3 मिनट के समय लेट पहुंचता है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे है केंद्र जहां पर अनुमति दी भी गई है। जी जी प्रवीण, क्या कुछ सामान ले जाने की अनुमति है परीक्षा केंद्र में और किन चीजों की अनुमति नहीं है?
देखिए आपको बता दूं, परीक्षा केंद्र में इस समय जो है सबसे पहला जो मुख्य है वो मोबाइल हो गया आपका, ऐसी कोई नुकीली चीज नहीं हो सकती आपके पास जो आप अंदर ले जा सकते हैं। पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, एक एक विद्यार्थियों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा। अगर वो किसी तरह से या फिर कहीं पर्ची या किसी तरीके वो चीटिंग करता हुआ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जी राघवेंद्र, क्या परीक्षा केंद्रों पे बच्चों के साथ उनके माता पिता भी पहुंचे हैं उनको छोड़ने के लिए या उनको परीक्षा दिलाने के लिए? बच्चों के साथ में आए हैं जो कि परीक्षा दिला रहे हैं और यहाँ पे रुके हुए भी हैं और यहाँ पे जो गार्जियंस हैं वो पूरा 3 घंटे 3.5 घंटे का टाइम जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं, उनके साथ में बच्चों को लेकर के अपने गार्जियन वो यहाँ पे आते हैं। जी जी, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करने की कोशिश करें कि उनका अनुभव कैसा है। इस बार जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उससे परीक्षा पे नजर रखी जा रही है, तो उससे उनको कैसा महसूस हो रहा है और इस बार जिस तरह से ये तैयारियां की गई हैं कोरोना के बाद, जिस तरह से अब ये बोर्ड की परीक्षा कराई जा रही है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं अभिभावक? तो बिल्कुल, हम अगर अभिभावक की बात करेंगे तो हमारे साथ में कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को लेकर के आए हैं यहाँ पे परीक्षा दिलाने के लिए। तो आइए हम इनसे खुद जानते हैं कि ये अपने बच्चों को लेकर के आए हैं अब परीक्षा दिलाने, और ये यहाँ पे क्या ये आप बताइए, परीक्षा जो चल रही है अभी, आप अभिभावक हैं, आप कौन सी क्लास के बच्चे को लेकर के आए हैं? दसवीं के। अच्छा, और ये बताइए कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो उसको लेकर के क्या आप कहना चाहते हैं, कितना ये सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हुई है क्या सही है? बहुत सही है, परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया है, ऐसे होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा होनी। बिल्कुल, अगर इसका बात की जाए तो अभिभावक जो है वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज के सीसीटीवी के अनुसार जो है अगर परीक्षा हो रही है तो वो एक सही हो रही है और ऐसे ही परीक्षा होनी ही चाहिए। और भी हमारे साथ में अभिभावक, चाचा आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम सोनखरी गाँव से आए हैं। सोनखरी से आए हैं, कौन से क्लास के बच्चे को लेकर? हाई स्कूल के बच्चे को। जो सीसीटीवी से कैमरा चल रहा है, परीक्षा हो रही है, कितना सही है? बहुत अच्छा है, सीसीटीवी कैमरा से किसी बच्चे की जो नकल कराते हैं या पहले कुछ फेंका हो जा रहा था वो लड़के पास हो जाते थे, कुछ लड़के फेल हो जाते थे, लेकिन ये सीसीटीवी कैमरा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। अब किसी को उसमें तक सुबह की कोई वो नहीं रहेगा सर का, इसमें कोई नकल करा रहा है कोई नहीं नकल करा रहा, अब कुछ उसमें भी डर भी रहेगा कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है कि अगर हम नकल करेंगे तो हम डर जाएंगे, तो बच्चे के अंदर में एक हौसला भी पैदा होगा कि हम नकल नहीं करेंगे, हमको पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना, आगे पढ़ना। तो बिल्कुल, आप देखिए होंगे किस तरीके बात कर रहे हैं कि यहाँ के अभिभावक जो है कि नकल विहीन जो है वो परीक्षा हो रही है और होनी भी चाहिए इस तरीके, और सीसीटीवी अगर लगा है कैमरा लगा बिल्कुल है, तो अभिभावक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। राघवेंद्र प्रवीण, जिस तरह से हर कुछ स्कूलों के सेल्फ सेंटर जाते थे तो कुछ के सेंटर्स जाते थे, तो इस बार क्या देखने को मिल रहा है, सेल्फ सेंटर पड़े हैं क्या, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, और अगर जिन परीक्षार्थियों के लिए सेंटर्स गए तो उनकी दूरी कितनी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अगर सेल्फ सेंटर की बात करेंगे तो जिस भी विद्यालय में सेल्फ सेंटर गए हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और अगर बात की जाएगी दूरी की परीक्षार्थियों के बैठाने की, तो मान के चलिए कि 2 से 2.5 फुट की ये अंतर रहता है दो परीक्षार्थी दो बैठाने के लिए। इसके बावजूद कहीं ना कहीं अभिभावक भी है जिनको अपने बच्चों की चिंता है कि इनको जल्द से जल्द इनके समय पर इनके सेंटर तक पहुंचाए जिससे कि इनकी जो परीक्षा है संपूर्ण तरीके से ये लोग अपनी परीक्षा दे सके। और साथ ही साथ बता दूं कि गाजियाबाद में अभी जो है इस समय जो निगरानी रखी जा रही है खास तौर पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, तो सीसीटीवी कैमरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए कारण बताया जाता है क्योंकि कुछ ऐसी चीजें सामने आ चुकी है पहले भी कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं पेपरों में चीटिंग करना या अपने कुछ कागज से लिखकर ले जाना, ये सब चीजें इस वजह से भी निगरानी बहुत सख्त रखी गई है इस बार। जी गाजियाबाद जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों संवाददाताओं का हमें जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अयोध्या से राघवेंद्र मिश्रा और गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा जुड़े थे, दोनों ने हमें जानकारी दी है बोर्ड एग्जाम से जुड़ी कि किस तरह से सेंटरों पर तैयारियां देखने को मिली, बच्चों की किस तरह से चेकिंग हो रही है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हाई स्कूल इंटर दोनों की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, अभिभावक भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस बार की तैयारियों से, वो चाहे कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारी की गई हो या फिर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही हो, तो संतुष्ट नजर आ रहे अभिभावक भी। खबरों में फिलहाल इतना ही।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।